हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि आदम का बेटा मुझे तकलीफ देता है, जमाने को गालियां देता है, हालांकि मैं ही जमाना हूं और सब कुछ मेरे दस्ते कुदरत में है, रात और दिन का अदल बदल मैं ही करता हूं। ये हदीस मुबारक मुत्तफ़क़ुन अलैह है, बुखारी शरीफ के अंदर भी मौजूद है, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी मौजूद है। चूंकि आप जानते हैं कि इस वक्त जो हालात पूरी दुनिया के हैं, इस हालात के तनाजुर के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारे इंसानों की ज़बान पर ये जुमले आप सुने होंगे, बहुत सारे इंसानों की ज़बान से ये जुमले निकलते हैं कि यार बड़ा ज़माना बुरा चल रहा है, माज़ल्ला। तो अब परवरदिगार जल्ला जलालहु इरशाद फरमाता है कि आदम का बेटा मुझे तकलीफ़ देता है, यानी क्या कहकर तकलीफ़ देता है, ज़माने को गालियां देता है, और रब फरमाता है मैं ही ज़माना हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये जो रब कदीर जल्ल जलालहू का फरमाना है कि मुझे तकलीफ़ देता है, तो अल्लाह की ज़ात उस अजमत वाली ज़ात का नाम है कि जिस ज़ात को न कोई रंज पहुंचा सकता है न गम पहुंचा सकता है। यहाँ युज़ीनी से मुराद ये है कि आदम का बेटा मुझे नाखुश करता है और अपने लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालहू के अज़ाब को दावत देता है। और फिर साथ ही साथ परवरदिगार जल्ला जलालहू ने यह फरमाया कि ज़माने को बुरा कहना ये गोया रब्बे कदीर जल्ला जलालहू की बारगाह के अंदर उसको नाखुश करने के मुतरादिफ है। अब वजह उसकी क्या है, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ज़माने का खालिक अल्लाह है, ज़माने पर कंट्रोल अल्लाह का है, वो जिस तरह चाहे ज़माने को बदलता रहे, परवरदिगार जल्ल जलालहू के दस्ते कुदरत में सब कुछ है। खुद इरशाद फरमाता है बेयदील अम्र, इसी हदीस के अंदर है कि हर काम मेरे दस्ते कुदरत में है, वो जब चाहे इंसान को और हालात को मुवाफिक कर दे और जब चाहे मुखालिफ कर दे, और ये सारी चीज़ों के करने के अंदर उसकी हिकमतें पोशीदा हैं। वो खुशी भी दे करके आजमाता है, रंज दे करके भी आजमाता है, वो इक्तदार दे करके भी आजमाता है, इक्तदार से महरूम करके भी आजमाता है, वो कमज़ोर करके भी आजमाता है, वो ताकत दे करके भी आजमाता है, वो मालदार बना करके भी आजमाता है, वो गरीब बना करके भी आजमाता है, उसका आजमाना है और वो ज़माने को खुद बदलता है, उसके इख्तियार में सब कुछ है। तो अगर कोई शख्स ये कहे कि माज़ल्ला ज़माना बुरा है, तो गोया इससे मेरा मौला नाखुश होता है, इसलिए कि रब फरमाते अना दहर मैं ही ज़माना हूँ, इससे मुराद ये है कि इसको बदलने वाला मैं ही हूँ। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्को मोहब्बत ने ज़माने को हुजूर की तरफ मंसूब करते हुए कहा ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, यानी जो भी ज़माना बनाया गया है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनाने वाली ज़ात खुदा की है, लेकिन आपके लिए बनाया गया है, आपको पैदा करना मकसूद न होता तो ये ज़माना भी परवरदिगार न बनाता। इसी तरीके से कुरान शरीफ के अंदर परवरदिगार जल्ल जलालहु ने कसम याद फरमाई, वल असर ज़माने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, इससे मुराद ये है कि वो ज़माना कितना अच्छा जिस ज़माने के अंदर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पैदा फरमाया। तो कभी भी
हालात कैसे ही खराब क्यों ना हो, बद से बदतर क्यों ना हो, बुरे से बुरे क्यों ना हो, जमाने को गाली ना दो। अगर कोई जमाने को गाली देता है कि बड़ा बुरा जमाना आ गया, बड़ी बुरी ये सब कहना, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला को नाखुश करने के मुतरादिफ है। खुद रब इरशाद फरमाते हैं, ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस शरीफ है, यानी लोग जमाने को गालियां देकर मुझे नाखुश करते हैं। आज कोरोना की सिचुएशन की वजह से, इस आलमी वबा की वजह से परेशानियों में गिरफ्तार लोग इसी किस्म के जुमले इस्तेमाल फरमाते हैं। तो मुसलमानों को चाहिए इस किस्म के कलेमात अपनी जबान से निकालने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की खुशी और नाखुशी को पेश नजर रखें। इसलिए कभी ये ना कहें कि जमाना बुरा है,